अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महतरम नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल दीनी बातें चैनल पर। नाज़रीन इकराम, एक वीडियो सोशल मीडिया के अंदर में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हो रही है। नाज़रीन इकराम, वो वीडियो ये है कि बाप हाफिज़ कुरान है और बेटा हाफिज़ कुरान है, दोनों हाफिज़ कुरान हैं और अपना बाप अपने बेटे से ये वसीयत करता है कि बाप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं और अपने बेटे से ये वसीयत करते हैं कि मेरी जब बीमारी का अंदाज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाऊं तो मुझे कुरान भूलने न देना और मुझे कुरान भूलने न देना। तो इसकी वजह से बेटा फर्मा बरदारी ये करता है कि बाप के बीमारी के हालात में, जबकि बीमारी के हालात में इंसान को बात करना भी अच्छा नहीं लगता, तो वो बेटा कुरान पाक पढ़ रहा है, बाप कुरान पाक सुन रहा है। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो सोशल मीडिया के अंदर में धूम मचा रखा है। ये वीडियो जो भी हजरात देखते हैं, बाप और बेटे को बहुत ज़्यादा दुआएं देने लगते हैं और दुआएं ना दें तो क्या, देने पर मजबूर हो रहे हैं। इस तरीके की अच्छी वीडियो नाज़रीन इकराम, ये वफ़ादार बेटों की अलामत होती है। और जबकि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि बेटा कुरान पाक बहुत निराले अंदाज में बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ रहा है और बाप भी बहुत मोहब्बत से, बहुत ज़्यादा इत्मीनान से सुन रहा है। नाज़रीन इकराम, इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने कुरान को पढ़ता है वो अल्लाह से बात करता है। पहले तो मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर को जाते थे अल्लाह से हम कलाम होने के लिए और बात करने के लिए। हमें अल्लाह और उसके नबी हुज़ूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदके और तुफ़ैल हम कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह से बात करते हैं। क्या आलम, अल्लाह हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए, हमें कोई ये कह दे कि बड़े से बड़ा आदमी, कोई नेक आदमी से बात करना है, हम कितने खुश हो जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम बहुत ज़्यादा अपने को बड़ा समझने लगते हैं कि मैंने उनका मुलाकात किया और इतनी बढ़िया इंसान से मैंने मुलाकात की और बात कर ली। जो रब्बुल आलमीन सबका खालिक और मालिक राजिक है, जो हम सब को पैदा करने वाला है, वो अल्लाह है, उससे हम बात करें। अल्लाह कहता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो अल्लाह से बात करना चाहता है वो कुरान पढ़े। कैसे, कितने ऐसे इंसान होंगे जो कई महीनों से कुरान नहीं खोले होंगे। नाज़रीन इकराम, ये हाल है, क्या बताया जाए। तो नाज़रीन इकराम, ये बाप और बेटे का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और उनके लिए बहुत ज़्यादा लोग दुआएं देने लगते हैं। नाज़रीन इकराम, उनसे हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी सेहत में, क़ुव्वत में, तवानाई में खूब से खूब बरकत और खैर नसीब फरमाए और बाप और बेटे को बाअमल हाफिज़ और जो है याद रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, वीडियो आपको कैसा लगा होगा, वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाई जाती है, आप इस वीडियो को लाइक करें और ख़ूब शेयर करें। नाज़रीन इकराम, इस तरह की दूसरों लोगों तक भी इस तरीके की खबर और इस तरह की जो है इस एक तरीके की पैगाम दूसरों तक भी पहुँच सके, इसीलिए इस वीडियो को खूब से खूब शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब फरमा कर बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इसी तरह की अच्छी और सच्ची खबर सबसे पहले पाने के लिए और नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें और हमारी वीडियो को देख सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।